बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंटरेस्ट मंत्र की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड का सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 49 अपलोड कर लेते हैं। 48 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा टॉपिक था वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स, सिनोनिम, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला एंटोनिम शुरू करेंगे। सिर्फ यही एक टॉपिक है जो कि लेंथी है, बाकी टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज, देखिए अल्फाबेट सी से आज शुरू करेंगे। ए और बी कंप्लीट हो चुके हैं, तो सी से शुरू होने वाले अल्फाज और उनके सिनोनिम्स। नंबर वन है कैशे। एक तो अगर कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, तो कंप्यूटर में भी कैश मेमोरी होती है जो कि सबसे तेज मेमोरी, द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कैश मेमोरी। लेकिन यहां पर वो कैश वाले नहीं है, इसको इसके मानी है दपीना, छुपा खजाना। यानी पुराने जमाने में, आपके तरफ तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे तरफ जमाने में, हमारे इलाके में, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक थे, तो यहां पर सिख रहा करते थे कुछ इलाकों में। तो सिखों ने जाते हुए उनके पास जो सिक्के होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे, भारी थे, और कुछ इस तरह और भी कीमती आशिया थी, उनको वो लेके नहीं जा सकते, तो उनको उन्होंने जमीन में दफनाया, तो उनको दपीने कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि छुपा खजाना, छुपाने की खुफिया जगह। आइए हम इस तरह कह सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन अ हिडन और इन एक्सेसिबल प्लेस। तो यहां पर ऑप्शन बी देके हिडन हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस। ऑप्शन ए लॉक लिखा हुआ है। ऑप्शन सी टाइट, टाइट समंदर की लहरों को टाइट कहते हैं। ऑटोमोबाइल, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल गाड़ियों को कहते हैं, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर टू देखे कैच इट। कैच इट के मानी है द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्पेक्टेड और एडमायर्ड, प्रेस्टीज, वकार जिसको उर्दू में हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, प्रेस्टीज। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाइडिंग प्लेस, ऑप्शन बी बुक, और ऑप्शन सी और डी ऑटोमोबाइल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर तीन कालो, सी ए डबल एल ओ डब्ल्यू। तो इसका इसके मानी क्या है? इसके मानी है ना तजर्बाकार, ना पुख्ता, नरम मिजाज, इमैच्योर जिसको हम कहते हैं, इन एक्सपीरियंस पर्सन ख्यालो आप। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन ए रफ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी को देखिए इन एक्सपीरियंस्ड, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है, सुपरफिशियल। ऑप्शन सी जो लिखा है सुपरफिशियल, इसके माने सती, सरसरी, और ऑप्शन डी स्टिकी, चिमटने वाला। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए कैंडिड। कैंडिड वो शख्स, तो इसका मतलब साफ साफ, साफ गोई, सादिक, टोटोक, साफ साफ, क्लियर, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, बल्कि कैंडिड मैन, ऑनेस्ट मैन जिसको कहते हैं। तो इसमें देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, ये सिंपल लफ्ज इसके साथ नहीं हो सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी मानी है वैसे कैंडिड के। ठीक है, कैंडिडेचर उम्मीदवार को कहते हैं कैंडिडेचर। फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, और ऑप्शन डी ये स्मूथ एंड फ्लोइंट, फ्लोइंट रवानी से बोलने वाला, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। पांच नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों,
कैपेशियस। कैपेशियस के मानी क्या है? कैपेशियस के मानी है वसी, कुशादा जिसको हम कहते हैं, लार्ज इन कैपेसिटी। ऑप्शन ए लिखा हुआ इसमें क्रैम्प्ड। तो क्रैम्प्ड जो है ना ये दोस्तों, ये इसका एंटोनिम है। क्रैम के मानी है नैरो, तंग। और ऑप्शन बी एक्सटेंसियो, वसी। देखिए ये इसका सिनोनिम है, वसी और कैपेशियस। और ऑप्शन सी लिखा इंचेंटिंग, ऑप्शन सी जो है इंचेंटिंग, इसके माने अट्रैक्टिव। और ऑप्शन डी ओवरटर्न, उलट, उलटना यानी मुकम्मल टर्न लेना। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखे, कैटिलेटेड कैसल किला से निकला, किला नुमा, किला नुमा। तो लाइक अ कैसल, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, लाइक अ कैसल। ऑप्शन बी एम्प्रेजन कैदी को कहते हैं, डिसग्रेस तनजुली को कहते हैं, परमानेंटली एल्टर, एल्टर तब्दील होना। और क्वेश्चन नंबर सेवन को देखें, सेवन नंबर क्वेश्चन में लिखा है कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ मुकम्मल तबाही, आफत को कहते हैं, अचानक और सडन ऐसा कोई वाकई हो जाए कि उसे मुकम्मल तबाही आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफ। ऑप्शन ए इसमें लिखे एक्सपीडिशन, मुहिम को कहते हैं। ऑप्शन बी काउटली, कोर्ट से निकला है, अदालती। और ऑप्शन सी देखे कालेमिटी, आपत। तो द सेमिनम जो है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन डी लिखा है ट्रबल मेकर, पसादी, जो बंदा हर वक्त मसाइल पैदा करते हैं, दे आर कॉल्ड, ही इज कॉल्ड ट्रबल मेकर। क्वेश्चन नंबर एट देखे, आठ नंबर क्वेश्चन को, कैथारसिस, कैथारसिस इसके मानी है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम, और इसके साथ स्ट्रांग एंड रिप्रेस्ड इमोशंस। तो इसमें इमोशनल रिलीज को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इमोशनल रिलीज। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी लिखा है एक्सट्रीम एग्जॉशन, इंतहाई थका हुआ, एग्जॉस्टिंग, एग्जॉशन से निकला है। और पर्सनल पर्सनैलिटी एनालिसिस, शख्सी तज्जिया, एग्जॉबिशन ऑफ करेज, हौसला की एग्जॉबिशन करना। और क्वेश्चन नंबर नाइन देखे, सिलिबेसी, सिलिबेसी, सिलिबेसी के मानी है वो बंदा जो मबाशिरत से पाक हो, यानी कनवारापन जिसको हम कह सकते हैं, पाकीजा पाकदामन भी इसको कहते हैं, लेकिन स्पेशली कनवारापन। तो बैचलर हुड, ऑप्शन ए, बैचलर वो शख्स जिसने अभी तक शादी नहीं की, जिसने अभी तक मुबाशरत नहीं की हो, बैचलर हुड को कहते हैं। ऑप्शन बी इंपोर्टेड अहम, ऑप्शन सी मैरिड स्टेट एंगेजमेंट, एनी हाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नाइन नंबर क्वेश्चन में। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन सेंट्रीप्यूगल फिजिक्स का है, फिजिक्स में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, मरकज से दूर, मरकज से दूर या मरकज गुरेज, जो मरकज से गुरेज करता हो, मरकज से दूर भागता हो। ऑप्शन ए लिखा इन वर्ल्ड मोमेंट, अंदर की तरफ आने वाला ना हो, रैपिड तेज। ऑप्शन सी देखे मूविंग अवे फ्रॉम अ सेंटर, मूविंग अवे फ्रॉम अ सेंटर, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। और एयर जेट फ्यूअल, करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई समझ गए हैं तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं कि इस बुक को जल्द अज जल्द हम कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें अब आगे बहुत ज्यादा टॉपिक्स आने वाले हैं। और ये तमाम, ये बुक उन दोस्तों के लिए स्पेशली जो सी एस एस, पी एम एस, सी सी ई
और चारों पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देने की तैयारियां कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।